कुछ बोल, मजा आ रहा है? नहीं, आवाज नहीं आ रही तेरी। तो गाइस अब हम उठ गए, टाइम टू गो। ड्राइवर हमें पिक करने आ रहा है। मॉर्निंग 6:30 का टाइम है। बड़े टाइम बाद पल्लवी आज इतनी सुबह उठी है, अभी भी उठी नहीं है। स्टिल कोशिश पूरी है इसकी, तो अपन लोग अब यहाँ वेट करेंगे। बहुत सुबह उठना पड़ा आज, लाइक 5:30 की उठी है ना, अभी 6 बज रहा है। मेरी पूरी नहीं हुई है, डार्क सर्कल सब देख सकते। बोला मेरे से जाने का कुछ भी। वेटिंग फॉर द ड्राइवर और जाओ नासा बनीडा, इतने बुरी हालत में है रब्बा। ये ऐसे छिप छिप के भागती है ना इधर से। ये छोटे छोटे चूजे रखे हैं उन्होंने, बाकी बाकी में आई है। इसलिए आपको ना हर होटल में गणेश जी की मूर्ति मिलेगी। सबसे पहले जय गणेश। वाह। एंड वी आर गोइंग टू नासा पुनीदा, सही बोला ना मैंने? तो अभी अपन वहां को ले जा रहे हैं। से हाय। हाय। सो वी आर गोइंग विद, व्हाट इज योर गुड नेम? माय नेम सुधा। सुधा, ओके। सो सुधा, वेरी नाइस नेम, ब्यूटीफुल नेम। पहुंच गए हुए हैं डिपार्चर एरिया में। यहाँ से हमें अपनी किश्ती पकड़नी है और जो हमारा ड्राइवर है वो टिकट लेने गया है। बहुत नींद लगी हुई है, अभी भी नींद ही नहीं खुल रही मेरी। और मेरी वाली शर्ट भी डाली है किसी ने। अब यहाँ से हम अपनी शिप पकड़ने वाले हैं। सारी यहाँ लगी है, सीधी धूप आ रही है आंखों में। ये सारी सफेद बोर्ड है और हमारी वाली पीली। अनएक्सपेक्टेड, हमारे कलर अलग ही क्यों मिलते हैं हमें? ऊपर वाला नहीं मिला हमें, वो फुल हो चुका था, और नीचे वाला मिल गया। मैं दिखाता हूँ आपको फ्रंट से कैसे दिख रहा है। किस तरीके से दिख रहा है? तो गाइस फाइनली वी रीच्ड, हम लोग अभी पहुंच गए हुए हैं अपने लोकेशन पे। बट लेकिन अभी जहाँ हमने जाना है उसके लिए अलग से हमें ड्राइवर पकड़ना पड़ेगा, वो हमारा वेट ही कर रहा है। आई होप सो। अब बोल तो रहा था वो ढूंढ लेगा। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। ये आइलैंड कम से कम 1 घंटे की दूरी पे, अगर आप ऐसे आते हो। मेरे से तो ठीक हो गया, बट इसको सोते ही आया वैसे। बट लेकिन तो देखा भी नहीं, पता है पानी में कुछ नहीं। पानी में देखने गए, सिर्फ पानी है। वो मजा भी नहीं लिया, I was just sleeping। तो बस अब दूसरे आइलैंड पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। लेके चलते हैं आपको। पहले हम लोग पहुंच गए हैं डायमंड बीच पे। मैं अब आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ यहाँ का व्यू कैसा। ये एंट्रेंस है हमारी, एंड ये देखिए सर, क्या व्यू है यार। That one is? Okay, okay. Oh my God. So guys, हम पहुंच गए यहाँ पे। एक साइड पे यहाँ पे डायमंड बीच है, दिस इज डायमंड बीच एंड दिस इज अतुआ बीच। एंड तेज धूप पड़ रही है, गर्मी है, एंड हमें पैदल चल के जाना है। ओके फाइन, गिर भी सकती। पानी की 2 बॉटल साथ में रखी है। तो ना यहाँ से स्टेयर्स नीचे जाना है। दोनों फोटो खींच रहे बैठ के। व्यू मैन, हवा बहुत तेज चल रही है। फोन गिर गया तो देखिए कैसे चलना पड़ रहा है। तो कैमरे की तरफ ध्यान दूंगा ना तो पता काम हो जाना है। गाइस यहाँ से उतरना भी एक टास्क है, क्योंकि खासकर अगर आप ज़्यादा बुजुर्ग हो तो प्लीज़ ट्राई मत करो। कैसे करते हो रूप से नीचे उतरना है, और ऊपर से भी हम आए काफ़ी नीचे ही। अभी तक हम स्टेयर्स पे ही अटके हुए हैं, हमें 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा नीचे जाना है, ऊपर से नीचे आना और इस ब्यूटी का मज़ा लेना। ओके तो इनको वापस आना पड़ा क्योंकि उनसे नहीं चला जा रहा है। कभी कभी कहते हैं सुंदरता के लिए आपको कुछ रिस्क लेना पड़ता है, ये उनमें से एक है। अभी नाक निकल रहा है, गॉगल उतार दे मेरे को, दे अगर नहीं दिख रहा। एक तो पड़ाव पूरा हो गया है वहाँ से आते हुए, और अब सेकंड ये है कि फिर वो पकड़ के नीचे होता था। कभी कभी कहते हैं क्लाइंबिंग सीखना जरूरी इसलिए क्योंकि इन मौक़ों पर वो काम आते हैं। ये देखिएगा जैसे रोप पकड़ के आप आराम आराम से नीचे जाते हो, सो दैट आप गिरो नहीं इन केस अगर आपका पैर स्लिप हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल खड़ी पहाड़ी है और यहाँ से चलना स्टेज पे इतना आसान नहीं है। और अगर आप गिरे तो आप सीधे जाके उधर जाके सॉरी भी, और अभी यहाँ से ऊपर भी चढ़ के वापस आना है इस व्यू के लिए है। पल्लवी अभी डर रही है नीचे उतरते हुए।
छोटा टाकू हमारा लग रहा गाइस फाइनली हम उतर गए। हमें 2 मिनट नहीं लगे उतरते, मेरी शेरनी 2 मिनट में आ गई नीचे है, बोरी को पीछे कर गई है नाइस। और मेरे को तो 2 सेकंड। अपन तो बचपन से ही पेड़ वेड़ पे चढ़ते आ रहे हैं, ये तो बड़ी छोटी सी चीज़ थी हमारे लिए, गांव में खेल के बड़े हुए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं थी। गाइस इसकी दिल्ले तमन्ना थी स्विंग करने की, तो अब मैं इसको वो करवा रहा हूँ। डर रही है? गिर जाएगी यहाँ से नीचे सीधे, टेंशन मत ले, नीचे पानी है। पानी तो नहीं है वैसे, नीचे नीचे सैंड है और पत्थर है। चल बेस्ट ऑफ लक है, सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, ये पूरा कवर करके ऐसे जाना है, सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। अभी तेरे को मन तो बड़ा कर रहा है, अभी तेरे को डर भी लगेगा। शाबाश। कुछ बोल, मजा आ रहा है? नहीं आवाज नहीं आ रही तेरी, डर लग रहा है? डर लग रहा है? कोई बात नहीं, ऐसे ही फटनी चाहिए, डर भी जरूरी है। दूं धक्का? दूं? अभी दे रहा हूं धक्का, रुक जा। अभी ए बाप है, हाँ टेढ़ा तो हो गया वो कैमरा, लुक इन द कैमरा, ए स्माइल स्माइल, ए तो गाइस ये था डायमंड बीच। अब हम लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं, कौन से बीच में जा रहा है? अतुआ बीच। तो अब वहाँ चलते हैं, देखते हैं कैसा है। उतरने से ज़्यादा चढ़ना मुश्किल है, फिर से चढ़ना पड़ेगा ऊपर टॉप पे, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। चल चल के होगी बस पसीना के लिए। पल्लवी गाड़ी ने अच्छी व्हील बना दी हमारी है, वैष्णो देवी की पहाड़ियाँ चल रहा हूँ। चलो वैष्णो देवी आया मत्था टेकने। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह पे, क्या नाम है जगह? क्लिंकिंग। ये मेरा छोटा गाइड मेरे साथ ही रहता है हमेशा मुझे बताने के लिए। और मैंने शर्ट चेंज कर ली है, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी हुई थी, तो मैं शाम बनियान अपनी साथ ही रखता हूँ, क्योंकि अभी भी ये शर्ट नहीं है, बनियान है, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी होती है यार। मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो मैं बनियान लेके ही करता हूँ। ये बनियान ही लेके, अच्छा बहुत बनियान, आई एम बनियान बॉय, मेरी देसी गाय बनियान। क्या मैं भी? अब इसने जुगाड़ किया है, क्या बात है, ऐसा दिमाग भगवान सबको दे, बहुत बढ़िया दिमाग लगाया लड़की ने, क्योंकि भूख लगी है गाइस। अब खाना खाएंगे फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। तो गाइस ये खाना आ चुका है मेरा, ये आ गया फ्राइड राइस, थोड़ा सा चिकन, ये पल्लवी की वेजिटेरियन राइस। और पल्लवी अभी पासवर्ड लगा रही है वाईफाई का, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे सिग्नल आते हैं ना नेट चलता है। आई एम राइट, तो लेट्स स्टार्ट एंड बिगिन विद द फूड। हाँ गाइस ये आ गई हमारी सेकंड डेस्टिनेशन, जहाँ पे हम लोगों ने आना था। नाम मेरा छोटा गाइड बताएगा, क्या नाम है इसका? क्लिंकिंग। तो ये बीच है, ये भी बीच है क्या? ये सॉरी व्यू पॉइंट है, हाँ बीच है, बीच है सर। ये रेस्टोरेंट्स हैं, अंदर एंटर करते हुए हम अभी जा रहे हैं डाउन साइड ही देखने के लिए कि कहाँ पे है ये बीच। ये लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, वो किस चीज़ की लगी है वो मेरे को भी नहीं समझ आ रहा, ये किस चीज़ की लाइन लगी है। हमारा गाइड हमें शॉर्टकट से ले रहा है, लाइन तो काफ़ी लंबी है वैसे। सो गाइस ये आ गया हमारा दूसरा व्यू, ये कुछ ऐसा दिखता है नीचे से यहाँ पे। सो गाइस आप यहाँ पे किसी भी बीच पर चले जाओ, सेम हाल है, आपको सीढ़ियाँ उतरनी ही पड़ेंगी। सो गाइस इट
स्टेयर्स और ज़्यादा डिफिकल्ट होती जा रही हैं। आप देख सकते हो जितना नीचे जाओगे उतना ज़्यादा टफ होता जा रहा है। करके आना आराम आराम से, इस साइड से आ जा। ये देखो ये व्यू यहाँ का। अब ये आ गया है क्रिस्टल बीच। चलना हो गया मुश्किल, पानी बहुत तेज़ है। चप्पल उतारनी पड़ेगी, चप्पल उतारने पड़ेगा। तो गाइज अभी अपन लोग यहाँ बैठ के चिल मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं एंड काफ़ी ज़्यादा टायर्ड भी हो चुके हैं, तो थोड़ा सा बीच पे बैठ के आराम से रिलैक्स हो रहा है। नहाना है, नहाने का सोचा था बट लेकिन इसको स्विमिंग आती नहीं है और मैं अकेले जाऊँगा नहीं, क्योंकि फिर वापस भी ट्रैवल करना है और मैं ज़्यादा कपड़े साथ लाया नहीं तो कच्चा किला रहेगा तो वो मज़ा नहीं आएगा पूरा। कम से कम एक घंटा मेरे को भी बोट में वापस जाना है बैठ के, तो वो बड़ी हालत बुरी हो जाएगी। मैं आपको व्यू फिर से दिखाता हूँ। है क्या हुआ? और मेरा, I was also wearing that. आना ही नहीं था, वैसे मेरा कच्चा किला हो गया।